व्हाट इज ग्लास स्किन? क्या आपको पता है कि ग्लास स्किन होता क्या है? क्या यह सच में पाए जाते हैं? क्या करने से हमारी स्किन ग्लास की तरह चमकेंगे भाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ, तो ग्लास स्किन, मैं जब पहली बार ये टर्म सुना था तो मुझे लगा था कि शायद ये एक ऐसी स्किन क्वालिटी है, ऐसी स्किन टेक्सचर है जो फ्लॉलेस है, एक ड्यूई सा लुक। फिर मुझे याद आया कि ऐसे क्वालिटीज़ तो हमें कोरियंस एंड जापानीज की स्किन में दिखाई देते हैं। फिर मैंने इसका डेफिनेशन जानने के लिए गूगल किया कि बताओ भाई व्हाट इज़ ग्लास स्किन। वहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लास स्किन इज़ व्हेन योर स्किन इज़ एट इट्स वेरी हेल्दीएस्ट। मतलब वही कि चाहे आपकी स्किन टोन कुछ भी हो, वो डार्क हो, व्हाइटिश हो, फेयर हो, मीडियम हो, डस्की हो, वो क्वालिटीज़ के हिसाब से आपकी स्किन बेस्ट होना चाहिए, तभी आप उसको कह सकते हैं कि वो ग्लास स्किन है। मतलब आपके स्किन में नो पिंपल, नो एक्ने, जिनके ड्राई स्किन है नो ड्राइनेस, एकदम हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज्ड, सॉफ्ट, ग्लोइंग स्किन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ऐसे चमकता हुआ स्किन पा सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से विथ रेगुलर यूज़, और वो भी ऐसे इन्ग्रीडियंट से जो हमारे घर हर वक्त मौजूद है। सो चलो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस प्रोसेस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्लिनजिंग एंड नेक्स्ट फेस मास्क। क्लिनजिंग के लिए हमें चाहिए रॉ मिल्क। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में एज फेस क्लिनजर सबसे अच्छा होता है रॉ मिल्क। अगर आपने ऑलरेडी दूध को उबाल लिया है तो आप वही लेना, पर रॉ मिल्क हो तो बेस्ट है। फेस को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन लिया है और इसको मैं इस बोल में डिप कर लूँगी और मैं इस कॉटन को अपने फेस पे ऐसे रब करूँगी। मिल्क के अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो आपके पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करेगा। जैसे ही आप ऐसे रब करोगे देखना कितने डर्ट निकल रहे हैं। ग्लास स्किन पाने के लिए मैं नेक्स्ट जो फेस मास्क रेडी करने वाली हूँ एक्चुअली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले अपने फेस को क्लीन तो करना है ना ठीक से। आपको इस प्रोसेस को 3 to 4 minutes के लिए कंटिन्यू करना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या तो फिर आप और एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मिल्क आइस क्यूब में डाल दीजिए और उसे आप 3 to 4 hours के लिए फ्रिज में रख दें और उस क्यूब को आप ऐसे फेस में रब कीजिए। आप समर में ऐसा ट्राई कर सकते हैं। समर क्या, आप हर सीजन में कर सकते हैं अगर आपको ठंड लगने की आदत नहीं है तो। फिर इसको स्किन में ऐसे 3 to 4 minutes के लिए छोड़ के वेट कॉटन की मदद से ऐसे फेस को आप क्लीन कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसे अपने स्किन पे रखूंगी, फिर मसाज करूंगी, क्योंकि मसाज करने से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होने वाला है और ऐसे करने से हमारी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। प्रॉपर मसाज टेक्निक के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। अब हमारी आती है नेक्स्ट प्रोसेस की। यहाँ पे हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त फेस मास्क बनाना है। मैंने लिया है 2 चम्मच राइस फ्लावर, 2 चम्मच हनी और एक परफेक्ट पेस्ट बनाने के लिए जितना मिल्क चाहिए उतना। जब भी बात आती है ग्लास स्किन की तब जिस चीज़ का नाम सबसे पहले आता है वो है राइस फ्लावर, क्योंकि ये ऐसे एक इंग्रेडिएंट है जिसके बेनिफिट्स हमें सदियों से मिलते आ रहे हैं। स्किन को ब्राइट करने में अगर सच में कुछ है वो है राइस। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आप राइस को उबाल के एक पेस्ट बना सकते हैं, उसमें आप मिल्क ऐड करके वो मास्क को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी स्किन में जितने भी सारे इम्प्योरिटीज़ है विच कॉजेज पिम्पल्स, एक्ने, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, ये सब जाने वाला है। और ये सब अगर आपके स्किन में नहीं है और आपकी स्किन बहुत ही ग्लो कर रही है तो तब हुई ना वो ग्लास स्किन। आई रिपीट कि आपकी स्किन टोन कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो है आपकी स्किन फ्लॉलेस है या नहीं। और मैंने यहाँ पे हनी ऐड किया हुआ है। हनी इज़ गुड फॉर ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन एंड ऑल्सो वर्क्स फॉर ट्रीटिंग ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एज वेल। ये डार्क स्पॉट रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। ये फेस मास्क आपको पूरे फेस पे प्रॉपरली अप्लाई करना है और स्किन में 20 टू 25 मिनट्स के लिए रखना है। आपके पास टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें एंड देन वॉश इट अप विथ नॉर्मल वाटर। फेस मास्क को वॉश कर लेने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी एलोवेरा जेल। आप प्लांट बेस्ड जेल भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मार्केट वाला अप्लाई कर रही हूँ। आप ऐसे ही इस प्रोसेस को फॉलो करते रहें एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल आल्सो गेट द ग्लास स्किन। एंड दिस इज इट, आज का वीडियो बस इतना ही।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है और मुझे आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं. एंड येस, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय.